राष्ट्रवादी विचारक पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ एक दिवसीय दौरे पर जमशेदपुर पहुंचे, जहां उनका कार्यक्रम प्रस्तावित है। इससे पूर्व श्री कुलश्रेष्ठ ने महाराणा प्रताप सिंह की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। उसके बाद हिंदू पीठ पहुंचे, जहां उन्होंने गणेश वंदना की, साथ ही हिंदूवादी संगठनों के नेताओं से वार्ता भी की, उनके सवालों के जवाब दिए। उन्होंने कहा कि राम मंदिर करोड़ों हिंदुओं की आस्था का विषय है, इसलिए इस पर कोई भी बयानबाजी करने से बचना चाहिए। उन्होंने कहा कि मंदिर निर्माण कार्य अधूरा है या पूर्ण हो चुका है, इस पर मंथन करने का अभी समय नहीं है। वहीं दूसरी ओर पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ का शहरवासियों ने गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। राम मंदिर न तो राजनीति का विषय है और न ही किसी के टीका टिप्पणी करने का समय है। समय की मांग है, चाहे कोई कितने बड़े पद पे बैठा हो, संयम भाषा का इस्तेमाल करें, मर्यादित बात करें और एक लंबे कालखंड के बाद जो करोड़ों करोड़ों हिंदुओं की एक इच्छा थी वो पूरी हो रही है। हो सकता है शास्त्रों के हिसाब से उसमें कुछ चीज़ें ऊपर नीचे हों, लेकिन वर्तमान परिस्थिति ये कहती है कि कुछ समय के लिए मौन व्रत कुछ लोग धारण करें तो ये समाज के लिए, राष्ट्र के लिए और भारत के लिए अच्छा होगा। लेकिन एक सामान्य भारतीय नागरिक और सनातनी हिंदू के नाते मैंने सिर्फ एक ही बात कहा कि संयम भाषा, मर्यादित भाषा, और कोई ये ज़रूरी नहीं है कि इस वक्त सब बोलें, कुछ देर के लिए लोगों को मौन होना चाहिए, क्योंकि राष्ट्र एक ऐसी जगह से गुजर रहा है जहां बहुत सारी चीज़ों के नए कंट्रोवर्सीज, नए विवाद जन्म देंगे। ये विवाद जन्म देने का समय नहीं है, ये विवाद हजारों साल तक चलते रहेंगे, लेकिन कुछ समय के लिए सब लोग मौन रहें तो मैं समझता हूँ ज़्यादा अच्छा होगा। सभी लोग यहाँ पे एकत्रित हुए हैं और यहाँ पे महाराणा प्रताप जी के मूर्ति पे हम लोगों ने माल्यार्पण कर अपना श्रद्धांजलि व्यक्त किया। और हम लोग ये चाहते हैं, देखिए उन्होंने उनकी जो इस भारतवर्ष के लिए जो योगदान रहा है वो बहुत बहुत बड़ा योगदान रहा है, और उस योगदान को हम लोग याद करके आज उनके इस पुण्यतिथि के अवसर पे हम लोग आए हैं। और हमारे भारत के बहुत बड़े वक्ता कुलश्रेष्ठ जी भी आज उन्होंने अपनी तरफ से श्रद्धांजलि व्यक्त किया। मैं उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद और शुभकामनाएं देता हूँ कि आपके ऐसे पुरुष भी इस महाराणा प्रताप जी को आज याद किए, और हम चाहते हैं कि हमारे देश के युवा इस महाराणा प्रताप जी के पुण्यतिथि को एक अपने जहन में भर लें और उनके बताए हुए मार्ग पर चलें और देश को उन्नति की तरफ ले जाएं। न्यूज़ विंग के लिए जमशेदपुर से गंगाधर पांडे की रिपोर्ट।